हे डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, राइट? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इंस्पेक्टर्स को पढ़ा था, इस वीडियो में हम क्लेम्स को पढ़ेंगे। अब ये सेक्शन 20 जो है ना, और इसी के साथ 21 भी करेंगे, बट फर्स्ट सेक्शन 20। जो सेक्शन 20 है वो क्लेम्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? किस चीज़ का क्लेम? वेजेस की बात हो रही है। तो क्या होता है कि मान लो वर्कर है, उसको जो मिनिमम वेजेस फिक्स कर रहे हैं वो नहीं दी जा रही, उससे लेस दी जा रही है। डिस्प्यूट हो सकता है ना। उसको ओवर टाइम कराया जा रहा है, मतलब कि 8 बजे या 8 घंटे की ड्यूटी है या 5 बजे तक की ड्यूटी है, वो ख़त्म हो गई है, मगर उनको 8-8 बजे तक रोका जा रहा है, बट ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा। उनको रेस्ट डेज पे बुलाया जा रहा है, यानी जो ऑफ दे रखा है उस दिन बुलाया जा रहा है, मगर उनको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा। या पेमेंट लेस देन दैट इज़ फिक्स्ड वो दी जा रही है, या वैसे ही अमाउंट ड्यू होती जा रही है मगर एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को लेके वो क्लेम फाइल करेगा टू द अथॉरिटी। अब कौन सी अथॉरिटी है? तो सेक्शन 20 जो है ना, वो किस चीज़ को डील करता है, कौन अथॉरिटी है, कैसे जाया जाता है उस अथॉरिटी के पास, एंड क्या वो अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्लेम्स है ना, यानी सब सेक्शन 1 है 20 सेक्शन का, वो क्या कह रहा है कि ये जो क्लेम्स है, ये हियर करने की जो पावर है ना, उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अपॉइंट करती है बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है? और वो तो कर देगी नोटिफिकेशन, लेकिन ये है कौन? तो किसको कर सकती है अपॉइंट? किसको कर सकती है? लेबर कमिश्नर, ठीक है? जो कि हमने कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ा था आपने, है ना? एक तो ये हो सकते हैं, दूसरा कौन हो सकते हैं? सेंट्रल ऑफिसर, एक्टिंग एज वर्क कर रहे हो, या वर्किंग एज लिख सकते हैं हम इसको, नॉट एक्टिंग एज, एज लेबर कमिश्नर इन एनी रीजन। और कौन हो सकता है? एनी स्टेट ऑफिसर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, ठीक है? इसका मतलब एक तो ये हो गया लेबर कमिश्नर, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लेबर कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, वो ही मिनिमम वेजेस के डिस्प्यूट को भी सुन सकते हैं। कोई भी सेंटर का ऑफिसर जो एज ए लेबर कमिश्नर वर्क कर रहा हो किसी भी रीज़न में, कोई भी स्टेट का ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है क्लेम सुनने के लिए अथॉरिटी, जो जो बिलो द लेबर कमिश्नर रैंक नहीं होना चाहिए। एनी जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है? कोई भी जुडिशियल ऑफिसर वो अपॉइंट हो सकता है जो कि ऑफ सिविल कोर्ट, राइट? और स्टाइपेंडी मैजिस्ट्रेट वो अपॉइंट हो सकते हैं। और ये सारे जो हैं, जो हमने अथॉरिटीज बता दी, ये करेंगे क्या? हियर द क्लेम्स, किस रिगार्डिंग? तो जो मैंने अभी बताया अंडर सेक्शन 13 13, और जिसमें इसका क्लोज बी एंड सी मेन है, एंड सेक्शन 14। अब इसमें बता क्या रखा है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही, लेस दी जा रही हैं, ड्यू हो गई हैं, ओवर टाइम कराया जा रहा है, पेमेंट नहीं दे रही, रेस्ट डे पे बुलाया जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दी जा रही, रेस्ट डे
नहीं दिए जा रहे, इसका मतलब है पूरा हफ्ता काम करा रहे, कोई रेस्ट डे नहीं दे रहे, और फिर उसके लिए जो पेमेंट है वो नॉर्मल दी जा रही है। क्योंकि रूल क्या कहता है सेक्शन 13 में और 14 में क्या बता रखा है कि जब भी किसी से ओवरटाइम कराया जाता है तो उसको पेमेंट दी जाएगी एक्स्ट्रा। रेस्ट डे पे बुलाया जा रहा है तो ओवरटाइम की पेमेंट दी जाएगी, ना कि रेगुलर जो वेजेस फिक्स हैं वो दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी डिस्प्यूट है इनको हियर करने की पावर इन अथॉरिटीज़ के पास है। सेकेंडली क्या है कि जब भी ये अथॉरिटीज़ अपॉइंट हो जाती हैं, ये कहाँ एक्ट करती हैं, इन दैट रीज़न उस ज्यूरिडिक्शन में, यानी जहाँ जिस रीज़न के लिए ये अथॉरिटी अपॉइंट की गई हैं उस ज्यूरिडिक्शन में जितनी भी ट्रेड या जो इस तरह के बिजनेस कैरी ऑन किए जा रहे हैं, इधर दैट इज़ इंडस्ट्री, फैक्ट्री और कोई भी यूनिट है छोटी बड़ी, जो रूल्स बनाए गए हैं उनके लिए, उनके अंडर जितने भी जो वर्कमैन हैं वो अपने वेजेस से रिगार्डिंग डिस्प्यूट को इनके सामने ला सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कह रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कह रहे हैं ला सकते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, है ना, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जब ये लेके आएंगे इनके पास तो एक जो एम्प्लॉई है वो खुद ही आ जाए? इसका मतलब क्या है, सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि ये जो क्लेम्स हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर क्लेम है ना, एक तो ये क्या है इसी सब सेक्शन के साथ प्रोविसो जुड़ा हुआ है। प्रोविसो बता देती हूँ पहले मैं क्या कह रहा है, विद इन 6 मंथ, यानी कि ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको क्लेम लाना हो, तो विद इन 6 मंथ मतलब फ्रॉम द डेट व्हेन द अमाउंट ड्यू और पेएबल, वहाँ से लेके अगले 6 मंथ का लिमिटेशन पीरियड है जिसके अंदर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ड्यू लेके आना होता है। ठीक है, और ये तो फर्स्ट प्रोविसो है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड प्रोविसो क्या कह रहा है, अगर मान लो ये 6 मंथ में ना लाया जाए एंड फॉर सफिशिएंट कोज, कोई सफिशिएंट कोज है तो इसके बाद भी आफ्टर 6 मंथ भी एंटरटेन करी जा सकती है एप्लीकेशन इफ सफिशिएंट कोज इज देयर। तो ये 2 प्रोविसो हैं। तो एप्लीकेशन क्लेम्स के लिए ली जा सकती है बाय कौन लेके जाएगा, एक तो जो एम्प्लॉई है वो खुद ही चल पड़ेगा, राइट, उसका तो राइट है ही, बट अगर वो खुद नहीं कर रहा तो इंस्पेक्टर, क्योंकि सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था कि इंस्पेक्टर जो है वो आके इंक्वायरी कर सकता है, एंटर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, सीज कर सकता है। अब जब उसने डॉक्यूमेंट सीज करे तो उसको पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट नहीं दी जा रही, तो ये इंस्पेक्टर भी क्लेम्स के लिए अप्लाई कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहाफ पे इंस्पेक्टर हैं। उसके अलावा और कौन कर सकता है, कोई भी जो ट्रेड यूनियन है ना, कोई भी उसका मेंबर, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, लेकिन ऑथराइज होना चाहिए। अगर वो मना कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है, तो वो उसको एप्लीकेशन लगा देगी ट्रेड यूनियन ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। उसके अलावा कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, मतलब वो कह रहा है मुझे एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, और एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा तो वो कर लेगा। उसके अलावा एनी पर्सन, ऑथोराइज्ड बाय अथॉरिटी, यानी कमिश्नरी कह दे कि ठीक है ये एक एम्प्लॉई है, इसको नहीं आ रहा रिप्रेजेंट करना, इसको एप्लीकेशन नहीं पता चल रही, तो मैं किसी पर्सन को ऑथोराइज़ कर देता हूँ इसके बिहाफ पे क्लेम्स के लिए अप्लाई करे, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो करेंगे ये इसके साथ जो प्रोविसो अटैच हैं वो बता रहे हैं। अब मान लो कि ये एप्लीकेशन लगा दी गई है बाई एनी ऑफ दिस, तो जो हमारी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली सब सेक्शन जो 3 है ना, ये क्या कह रहा है कि जो अथॉरिटी है ना, बिकॉज हम अथॉरिटी क्यों लिख रहे हैं, जो लेबर कमिश्नर है या वो जो कोई सिविल जज है कोर्ट का, वो अथॉरिटी हियर करेगी एम्प्लॉय को एंड एम्प्लॉयर को,
हियर करेगी एंड इंक्वायर करेगी, यानी कि एक एंड इंक्वायरी उसको लगेगा तो वो इंक्वायरी करेगी, हियर करेगी और सुनेगी। देखिए ये जब हम बार बार कह रहे हैं ना कि उसको ये जो अथॉरिटी है उनके पास एप्लीकेशन लगा दो, वो हियर करेगी इंक्वायर करेगी या जो भी वो करेगी, तो जब इनके पास कोई पावर होनी चाहिए तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 20 सब सेक्शन 7 वो क्या बता रहा है कि जो भी ये अथॉरिटीज़ होती हैं टू हियर द क्लेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द वेजेस, जो भी हमने डिस्प्यूट करे हैं अभी कि क्या क्या वो कर सकते हैं, इनके पास जो है वो सिविल कोर्ट की पावर होती हैं। अब वो सिविल कोर्ट की पावर क्या है, करेगी क्या ये अथॉरिटी इस पावर के साथ, तो अगेन वही कि एग्जामिन, टेकिंग ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ नॉट कलेक्शन प्रोडक्शन, टेकिंग ऑफ एविडेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सारी जो पावर हैं, एग्जामिन करना, कोई विटनेस भी बुलाना, कोई पर्सन बुलाना, बुला लो उसको, बुला के एग्जामिन कर दो, एग्जामिन करना, टेकिंग ऑफ एविडेंसेस एंड टेकिंग ऑफ एविडेंसेस, ये मैं आपको आई थिंक थोड़ा डिटेल में बता दूंगी इरेज करके, क्योंकि ये थोड़ा ना ज़रूरत है इसको हटा देने की यहाँ से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसको आपको एक बार दोबारा बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 20 सब सेक्शन हम क्या कर रहे हैं कि आखिरकार जो 20 का सब सेक्शन 3 है, आखिरकार ये जो क्लेम सुनने वाली अथॉरिटी है वो क्या प्रोसेस करेगी, तो वो क्या करेगी, हियर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, राइट, ये जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है, और एंड इंक्वायर भी कर सकती हैं। और फिर मैं बता रही हूँ कि सेक्शन जो 20 है उसका सब सेक्शन 7, ये करने के लिए इनके पास पावर क्या है, तो पावर क्या है, पावर एज सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट जज की जो पावर्स होती हैं वो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है। अब पावर में वो करते क्या, ऐसा तो नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत पूरा मुकदमा चलाएंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अलाउड, लेकिन फिर भी उनको ये करने के लिए और जो वेजेस हैं वो कैलकुलेट करने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिरकार एक्चुअल सिनेरियो क्या है, उनके पास ये पावर है, इसमें वो क्या करेंगे, टेकिंग ऑफ एविडेंस होगा, यानी जो कोई सबूत रिकॉर्ड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ चाहिए तो प्रोड्यूस करो, वो मंगवाने की पावर, ठीक है, एग्जामिन उनको करना, इस सब प्रोसेस से वो फाइंड आउट करेंगे व्हाट वेजेस आर ड्यू एंड व्हाट नॉट। इनको सुनने के बाद, दोनों को सुन लिया, ये सब कर लिया, तो फिर वो करेगा क्या, दो चीज़ हो सकती हैं, क्या हो सकता है कि जो पे, देखो ये इस बात पे डिपेंड करता है वो ऑर्डर क्या करेंगे, दे में ऑर्डर क्या कि जो पेमेंट है ना, पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यू वो पे कर दी जाए उसको, और साथ में कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन नॉट मोर देन 10 times ऑफ द ड्यू अमाउंट, जो भी अमाउंट चल रही है। अब ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यू है ये कौन सी होती है, इसका मतलब है या तो मिनिमम वेजेस दी नहीं जा रही या दी जा रही हैं लेकिन लेसर दी जा रही हैं, तो दोनों ही सूरत में क्या होगा, वो जो ड्यू अमाउंट है वो पे की जाए, प्लस में कंपनसेशन पे किया जाए, कंपनसेशन 10 times मैक्सिमम है, लेकिन अगर ये जो पेमेंट है ना हो जाए, पेमेंट ऑफ वेजेस बाय एम्प्लॉयर बिफोर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन,
तो फिर जो ये कंपनसेशन है ये तो देना ही पड़ेगा, वो तो दे दिया उसने, लेकिन ये जो कंपनसेशन है ना ये 10 रुपीज़ है बस। इसका मतलब है कोई पेनल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ड्यू थी, उसने पहले ही एप्लीकेशन अभी पेंडिंग थी, कुछ डिसाइड नहीं किया था और उसने पेमेंट कर दी, तो कंपनसेशन इज़ वेरी लो। लेकिन इसी में अगर ये जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है, जो एम्प्लॉय ने लगाई है, इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी फ्रिवोलस वैक्सेशियस, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो प्रोविजन क्या कह रही है, इफ एप्लीकेशन इज फ्रिवोलस और वैक्सेशियस, मतलब कि एम्प्लॉय ने ऐसे ही या इंस्पेक्टर ने वैसे ही या जिसने भी एप्लीकेशन लगाई है वो मलेशियस है, फ्रिवॉलस है, मलेशियस इंटेंशन से है, तो ऐसे में क्या है 50 रुपीज़ का जो फाइन है वो लगाया जाएगा एम्प्लॉय के ऊपर। या यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, जो भी पर्सन एप्लीकेशन लिख के आए, इसका मतलब एम्प्लॉय, इंस्पेक्टर, लीगल प्रैक्टिशनर, एनी ऑथोराइज पर्सन, ट्रेड यूनियन का पर्सन, उन उसी पे जो एप्लीकेशन लेके आया है ना उसके ऊपर 50 रुपये का फाइन लगेगा और ये फाइन दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। तो ये एक प्रोसेस है। अब अगर जो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, मान लो उन्होंने डिसाइड कर दिया लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉयर है वो पे नहीं कर रहा अभी, राइट, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? तो रिकवरी इस अमाउंट की होगी एज ए फाइन, जो रिकवरी होती है, अगर तो जो अथॉरिटी है वो खुद मजिस्ट्रेट है तो उसकी पावर है, वो रिकवर कर लेगा, लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट नहीं है तो जो अदर अथॉरिटी है वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाएगी फॉर द रिकवरी ऑफ दिस अमाउंट। तो फाइन एज ए फाइन रिकवर हो जाएगी सारी अमाउंट, क्योंकि मान लो जो ये जो अथॉरिटी है इनका डिसीजन फाइनल होता है, तो मान लो फाइनल डिसीजन हो गया बट एम्प्लॉयर इज स्टिल नॉट पेइंग, या ये जो 50 रुपये ये नहीं पे हो रहे हैं, या कंपनसेशन पे नहीं हो रहा जो 10 टाइम्स दिया गया, तो वो सारी की रिकवरी मजिस्ट्रेट के थ्रू होती है, इधर ही हिमसेल्फ और इफ इफ द हियरिंग अथॉरिटी इज नॉट मजिस्ट्रेट तो वो अथॉरिटी मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेगी इस चीज़ के लिए कि रिकवरी कर ली जाए, ठीक है। तो ये तो है हमारा क्लेम्स। इसमें एक सेक्शन 21, साथ में सेक्शन 21 बहुत सिंपल है, वो क्या कह रहा है कि अगर अथॉरिटीज के पास, ये डील करता है जहाँ पे मल्टीपल वो हैं एप्लीकेशंस फॉर क्लेम, ठीक है, और सबके सिमिलर टाइप ऑफ क्लेम है, मिनिमम वेजेस के क्लेम है, सेम एम्प्लॉयमेंट में है उस एरिया में, तो अगर सबकी सेम दिक्कत है और मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, वहाँ पे हैं, तो सेक्शन 21 क्या कहता है, अगर मिनिमम वेजेस के लिए एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी लगा दी अलग अलग एम्प्लॉयज़ ने, तो वो उनको क्लब कर देगा और इकट्ठा सुन लेगा और इकट्ठा ही डिसाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है। और मान लो कुछ एप्लीकेशन अब लगी लेकिन सेम टाइप की एप्लीकेशन पहले भी पेंडिंग थी, तो ये भी पावर है अथॉरिटी के पास कि वो उन पेंडिंग एप्लीकेशंस को जो अब प्रेजेंट में एप्लीकेशन लगी हैं या जो अब लगी हैं उनके साथ भी क्लब कर देगा। इसका मतलब क्या है, व्हेन देयर इज मल्टीपल एप्लीकेशंस आर पेंडिंग बिफोर द अथॉरिटी, लेबर कमिश्नर हैं जो भी, और जो हियर कर रहे हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हमने जो फर्स्ट सब सेक्शन में पढ़ी उनके सामने पेंडिंग है, तो वो क्या करेगा, क्लब कर लेगा। ऑब्वियसली जो एक एक को अलग अलग सुनने के लिए सेम मैटर को अननेसेसरी वो है, हैसल है, अननेसेसरी है, तो उसको बचाने के लिए सभी एप्लीकेशन को क्लब करके एक डिसीजन दे सकता है रिगार्डिंग ऑल द एप्लीकेशंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्लेम्स हैं, ठीक है, हमारे मिनिमम वेजेस में ये लास्ट टॉपिक था, बाकी के सारे हो चुके हैं, बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, फिर भी मैं इनकी फ्रेगमेंटेड वीडियोस बना रही हूँ तो आप कनेक्टेड होके देख सकते हो कि कौन सी वीडियो में क्या है, ठीक है। और अगर जो टॉपिक छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ना, तो आप शॉर्ट्स देखा करो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को बोर्ड पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही एक्सप्लेनेटरी मोड में बताए जा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की टॉपिक है, वो मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, जो डेफिनेशंस हैं वो मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, कोई और भी सिंपल प्रोविज़न है जैसे कि पेनल्टीज़ हैं वो इस वीडियो में रह गई है, क्योंकि
वीडियो लंबी हो जाती है और वो एक अलग टॉपिक है छोटा सा, तो पेनल्टीज नहीं मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दोज टॉपिक्स जो यहाँ कवर नहीं हुए हैं या जो शॉर्ट हैं, तो आप वैसा वैसा उनके साथ ट्यून्ड रहिए। और अगर कोई फर्दर आपको कोई सब्जेक्ट की क्यूरीज हैं तो वो आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हो। थैंक यू फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स, जो नहीं भी भेजते उनको भी थैंक यू, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सारे हैं। और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को और वीडियो पूरी देखा करो, बड़ी मेहनत से बना रही हूँ मैं इन वीडियोज़ को। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।